Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. तो जी यहाँ पे निकले हैं इब्राहिम दरसगाह। बहुत बहुत दिनों के बाद मैं इसको साथ जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है हमारे घर से। उस औरत को भी जाना है घूमी घूमी के लिए। तो लेते हैं पहले बच्चों को दरसगाह। तो जी दरसगाह से आ चुका है इब्राहिम। मैं ना इसका वेट कर रही थी, पता है कहाँ? मेरे हस्बैंड का जो ननिहाल है मामू के घर, वहीं पे मैं वेट कर रही थी। तो इसको ना मामू ने दरसगाह छोड़ा भी और लाया भी वहाँ से, तो तब तक मैं उन्हीं के यहाँ थी। अब हमने चाय वगैरह वहीं पे पी ली। उन्होंने छोड़ा नहीं, बोला आप आज बहुत टाइम के बाद आए हो तो चाय पी कर जाओ। चलो तो अब इब्राहिम के बाबा भी आ रहे होंगे घर, तो अब हम निकले हैं घर। मुझे कुत्तों से इतना डर लगता है ना, लेकिन ये मेरे बच्चे कुत्तों के पीछे ही जाते हैं यहीं से ही। इब्राहिम गाओ शे। देखो मैं डरती हूँ और ये इसी के पास जा रहा है। नहीं नहीं ये हटा करेगी। चलो इब्राहिम आराम से चलो इब्राहिम। हेलो हेलो से हेलो से हेलो से हेलो। मैं रोज रोज कहाँ इब्राहिम को साथ आऊंगी दरसगाह, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आज मैं मामू के घर गई तो कल क्या करेंगे। बाबा आ गए, चलो घर। तो जी लंच हमारा हो चुका है। इब्राहिम गया चाचू के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद, और ये मुझे तंग कर रहा बहुत ज्यादा। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह चल अल्लाह फलस करो, अल्लाह अल्लाह करो फलस करो अल्लाह। ये भाई के साथ जाना चाहता था, बुला के डायपर पत करो अल्लाह। ठीक है ओके ओके। तो अभी मैं सालन बना लूंगी। मैंने ये ना फ्रिज में 2-3 टमाटर पड़े थे, आज मैं यही इन्हीं की चटनी बनाऊंगी क्योंकि कल हमें जाना है किसी जगह पे, रात के लिए रहना है हमें वहाँ, तो रात के लिए जाना है। तो और मैंने जो कल बनाया था साग, उसमें भी थोड़ा सा बच जाएगा आज, तो थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बनेगी, तो फिर निकलेगा आज का गुजारा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर चॉप कर लिए अच्छे से, अब इनको पकाएंगे जल्दी जल्दी। इंडक्शन किया है ऑन, यहाँ पे ऑयल लिया है। इसमें मैंने कल ना इस वाले ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था, तो अब पैन में ही जो है ऑयल थोड़ा सा बचा था, अब मैं यही यूज करूँगी। और ये भी तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको ढक के रखेंगे बंद। तो जी आज है दूसरी सुबह। यहाँ पे अभी सुबह का मैस ही पड़ा हुआ है, अभी सफाई नहीं की है। अभी मुझे इब्राहिम का टिफिन और बैग रेडी करना है, तो निकलेगा इब्राहिम स्कूल, फिर हम करेंगे जल्दी जल्दी घर की सफाई। यहाँ पे सौद बेबी बाबा को नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है मुझे पहले हन पे सवारी दे दो तो बाद में जाओ ऑफिस। मैंने लास्ट टाइम ये साइकिल बाहर निकाली थी, लेकिन फिर मैंने ना वापस से धो के रखी थी, तो फिर इसीलिए अब हमें इसको अंदर भी चला रहे हैं। ये मैंने साबुन से धो ली थी, तो एक ही बार अभी बाहर ली साइकिल। तो जब तक स्वाद बेबी खेलेगा बाबा के साथ, तब तक ये बर्तन में बाहर धो के लाती हूँ, तो मिलते हैं आपसे ये धोने के बाद। मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो लिए बाहर, देखो बारिश स्टार्ट हो गई, मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो लिए, अभी साबुन के बगैर ही धो लिए ऐसे ही। चलो 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 चलो। इब्राहिम हो चुका है रेडी स्कूल के लिए, तो अभी उसे बाबा छोड़ेंगे बाहर गाड़ी के पास। तो अभी मुझे किचन का काम करना है, बर्तन हो गए है, बेडिंग वगैरह ठीक करनी है। सो नो अजी देर, आज मुझे खाना वाना कुछ नहीं बनाना है क्योंकि हमें आज जाना है मेरी बुआ के घर। मैंने आपको पहले ही बोला था व्लॉग में, हमें एक खास जगह पर जाना है, वो रहती है खान साहब में, हमें वहाँ जाना है। मेरी मम्मा को भी और मुझे बुआ के घर जाना है हमें, क्योंकि जो मेरे कज़न ब्रदर हैं उनकी ना मतलब कैचमेंट हो गई है या कुछ बचवाते मिस्र था, और मेरी कजिन सिस्टर है उसकी डिलीवरी हो गई है, तो अब हमें जाना है मुबारकस वहीं पे। मैं ना काफी दिनों से सोच रही थी मुझे ना लोटा लाना है, इम्पोर्टेंट है यार, ये एक बॉयलर में रखूंगी यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि स्वाद ना बार बार निकालता है चीजों को।
झाड़ू लगाने से पहले मुझे इतनी चीजें उठानी पड़ती है क्योंकि सुआद जान मेरी सारी चीजें फैला देता है। ये ऑयल कंटेनर में फ्रिज में ही रखती हूँ। ये साइकिल जाएगी बाहर। हाँ बोलो बेटा। हाँ आप जाओ स्कूल, सुआद को मत ले जाना, ये सीढ़ी पे चढ़ता है बार बार, देखो कितना तंग करता है मुझे। इब्राहिम यहाँ पे खेल रहा है क्योंकि गाड़ी वाले ने फोन किया, स्कूल बस वाले ने बोला कि अभी ना वो स्कूल पे ही है क्योंकि बारिश हो रही है, तो उसको भी 5-6 मिनट लगेंगे। इब्राहिम यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी बेटा। देखो यहाँ पे हो चुका है क्लटर फिर से जमा। इब्राहिम की बुक्स है और है बिस्किट, ये ना आप जमजम है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर इब्राहिम के बाबा ने मुझे आप जमजम पिलाया। ये भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। मुझे कई दिनों से बैक पेन हो रहा है तो फिर मुझे ना अब जमजम पी के अच्छा लगता है। तो पहले करेंगे यहाँ पे ये क्लटर वगैरह जल्दी जल्दी साफ। बिस्किट रखेंगे यहाँ पे। मैं करूंगी यहाँ पे जल्दी जल्दी सफाई। ये ना फिर हमने झाड़ू लाया था, ये देखिए ये वाला झाड़ू लिया हमने, इब्राहिम के बाबा ने फिर खुद लाया, बोला तो शिनी याद ही रोजा इसलिए उन्हें पाना है। तो अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ सफाई और आपसे बातें भी होती रहेंगी। हो गया यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम, तो अब मैं यहाँ पे करूंगी थोड़ी सी डस्टिंग। कितना भी काम कर लो ना लेकिन लगता नहीं है कि सफाई की है, स्पेशली बच्चों के घर में। मैं सोच रही थी ना, एक दो दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जो है जॉब फिर से स्टार्ट करूं, तो एज जब मुझे मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी, तो फिर शादी के बाद मतलब इब्राहिम के होने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया था, तो अब सौद बेबी आ गया है तो फिर मैंने मतलब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सात बेबी फिर मैंने छोड़ दी थी। मैं टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी एज रिजर्वेशन मैनेजर। सो फिर ना मुझे एक प्रॉब्लम होती थी, मतलब एज मेरा मायका है श्रीनगर में और ससुराल है यहाँ बडगाम में, तो मैं फिर ऑफिस भी श्रीनगर में ही था, तो फिर क्या हुआ था मैं इब्राहिम को सुबह अपने साथ ले जाती थी, फिर मम्मी के पास छोड़ के आती थी, तो फिर शाम को वापस लेकर आ दीजिए, मतलब ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता था। तो फिर जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ फिर हमने सोचा इसको क्रेच डालेंगे, तो फिर सौद बेबी हुआ तो फिर मैंने छोड़ ही दी। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं फिर से ज्वाइन कर लूँ ऑफिस, वही सेम ऑफिस, लेकिन इब्राहिम के बाबा नहीं मान रहे, वो अलाउ नहीं कर रहे, बोल रहे कि इसके नीचे बच्चे का सन मतलब कि ठीक नहीं रहते हैं, कभी ना निहाल कभी वहाँ कभी यहाँ, और सौद बेबी अभी छोटा है इसको क्रंच भी नहीं डाल सकते हैं। तो मैं ना उसको अभी वो कहते ना जार पार्चेस भविंद मिस करा, तो वो नहीं अलाउ कर रहे अभी, बोले कि नहीं आप ना आप घर ही संभालो और बच्चों को। तो चलो देखते हैं मानेंगे नहीं मानेंगे, ऐसे ना मतलब घर में टेंशन लेता है फिर इंसान क्या था क्या है, और जब खासकर मतलब माहौल ठीक नहीं हो तो तब ज़्यादा ही होता है फिर कुछ। तो जो ये फ्रिज की हो गई है, अब यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी ये अलमीरा, बच्चे हाथ लगाते हैं ना इसलिए मुझे रोज़ रोज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं, मैं ना अभी उसको वन छजबुदे मिस वो कहते हैं ना बटरिंग छजबुदे मिस करा, लेकिन उसने ना टोटली मना कर दिया, बोला नहीं अब आप घर ही संभालो और ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन कुन चीज़ अच्छे से पर था वहाँ कमी, मैंने बोला ऐसा नहीं है लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। देखते हैं क्या कहेंगे आप आगे, ऐसे ना मतलब स्ट्रेस होता है फिर घर में बैठे बैठे, हमसंस का तिमसंस का मतलब इंसान का मतलब पागल होने का खतरा है सच में। लेकिन यस अब देखते हैं वो क्या बोलेंगे, मतलब सुच मैं खुदाय सचान खानदार, यस सुच हकी खुदाय खानदार सरताज, अब जो वो बोलेंगे वही होगा। तो अभी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने टोटल ही मना कर दिया, तो हो गई यहाँ पे। अब है ये वाली विंडो, इसको करेंगे, मुझे ना आज डिनर की तैयारी भी नहीं करनी है,
इब्राहिम के बाबा ने बोला मैं ऑफिस जाऊंगा, वहीं से मतलब मैं फिर कॉल करूंगा, आप रेडी रहना, बच्चों को रेडी रखना, तो फिर जाएंगे हम शाम को 6-7 बजे। तो कल संडे है, कल आएंगे वापस। मेरा मन था, मैंने बोला मैं 2 दिन रहूंगी, लेकिन इब्राहिम का स्कूल है, कैसे रह सकती हूँ 2 दिन। एक हाथ से सफाई, एक हाथ से कैमरा, वारे वारे भारती नारी, तेरी शक्ति की दाद देनी पड़ेगी। वैसे ना मेरा बहुत मतलब मुझे हस्बैंड बोल रहे कि क्या शक आराम मत किया कर, लेकिन मुझे शौक है व्लॉगिंग का। तो अब मुझे दूसरा कपड़ा उठाना है, यहाँ इंडक्शन वगैरह की सफाई हो। जब हम रोज करते हैं ना सफाई, फिर ज्यादा गंदा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे रोज। तो किचन का हो गया है ऑलमोस्ट मेरा सारा काम, अब मुझे वॉशरूम वगैरह धोना है और फिर मुझे जाना है एक लैब पे। अभी मुझे वॉशरूम वगैरह धोना है, फिर उसके बाद मुझे जाना है यहाँ क्लिनिक पे, पास में ही है। मुझे ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था, बैक पेन ज़्यादा हो रही है, मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं अब, तो जाऊँगी मैं वहीं पे। है मेरे बैक यार्ड की तरफ से कुछ व्यू, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ये फ्लावर्स देखना, देखिए। तो जी आया है टाइम आपसे विदा लेने का, इस व्लॉग को करूंगी मैं यहीं पे एंड। आप अपना पूरा ख्याल रखें और अपनों की इज्जत और मोहब्बत किया करें, अपनों की कदर किया करें, क्योंकि फिर एक बार अगर अपने चले जाएंगे फिर कभी वापस नहीं आते हैं। प्लीज प्लीज अपने चाहने वालों की कदर किया करें और अपना पूरा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।